हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए एक और नई डिज़ाइन का कली वाला ब्यूटीफुल सा डोरमेट लेकर आई हूँ। ये देखिए, चार कली मेरी एक कलर की हैं और चार कली दूसरे कलर की। इस तरह से मैंने इस डोरमेट को बनाया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में भी। तो इस तरह से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 20 फंदों में बनाया है दोस्तों। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो 30, 40, 50 कितने भी फंदे डाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है, फंदे हमारे 2 के मल्टीपल से ही होने चाहिए, इतना हमें ध्यान रखना है। और किसी भी कितने भी फंदे डालकर इसे किसी भी प्रकार बना सकते हैं। जैसा मेरा तरीका है वैसे आप बनाएं, और वीडियो को एंड तक देखें, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये फंदे जैसे ज़्यादा लेने हैं तो कैसे कितने छोड़ने हैं, वो सब आपको बताया है। तो आप ज़्यादा फंदे में भी बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से इसे बना लेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए अब इसे बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस डोरमेट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें 8 नंबर की सलाई यूज में ले रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए इस तरह से, अब इसमें हम फंदे डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से फंदे डालना आपको बता रही हूँ। ये देखिए, एक नॉट लगाएंगे इस तरह से। अब एक उंगली में, ये देखिए इस तरह से, ये रही मेरी फिंगर, ये देखिए ये लपेट के, ये कुछ इस तरह से हमें फंदे डालने हैं। आप अगर कोई और तरीका जानते हैं फंदे डालने का तो उस तरीके से डालें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फंदे ही डालने हैं, चाहे किसी भी तरीके से डालें। ये देखिए, एक बार गिन लेते हैं फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। टोटल 20 फंदे मैंने डाले हैं। आप 2 के मल्टीपल से कितने भी फंदे डाल सकते हैं, बस आपको 2 के जोड़ों में फंदों को डालना है, इतना ध्यान रखना है, कितने भी फंदे आप डाल सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम सादा सिलाई बनाते हैं उल्टे फंदे वाली, उल्टी सिलाई हम बनाते हैं। ये देखिए फंदे, उल्टी सिलाई कैसे बनती है, इस तरह से सिलाई को डाल के, ये देखिए फंदे में, ये देखिए ये फंदे में डाल ली और इस तरह से बना दिया। ये हमारे उल्टे फंदे जो होते हैं वो, या उल्टी सिलाई कहते हैं इसे हम। ये देखिए, एक और ये दो, दो फंदों को ऐसे ही छोड़ देंगे। इस साइड भी 2 फंदों को छोड़ देंगे, यानी हमें दोनों साइड से दो दो फंदे छोड़ने हैं, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से।
दो फंदे फिर छोड़ देंगे इस तरह से। दो फंदे फिर छोड़ दिए। दो फंदे फिर हर लाइन में हमें दोनों साइड से दो दो फंदों को छोड़ना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। जैसे कि मैं छोड़ रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको भी छोड़ने हैं। आप चाहे कितने भी फंदे डालें बिल्कुल इसी तरह से दो दो फंदे हमें छोड़ने हैं। दो फंदे फिर छोड़ देंगे। ये देखिए दो फंदे इस साइड से भी छोड़ दिए और ये इस साइड से भी, इस तरह से देखिए। तो 2, 4, 6, 8 और 10, 10 फंदे ही इस साइड छूट गए, 10 फंदे ही हमारे ये रह गए। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो इस साइड वाले 10 फंदे हैं इनको ऐसा ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब जो इस साइड के फंदे हैं इनमें हमें डिजाइन बनानी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो पहले सारे फंदे बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम देखिए क्या करेंगे आगे, हमारे टोटल 20 फंदे हैं। तो देखिए अब हम 10 फंदों में डिजाइन बना रहे हैं, यानी आप जितने भी फंदे डालें उसके आधे फंदों में आपको ये डिजाइन बनानी है। जैसे आप 24 फंदे डालें तो 12 फंदों में, 28 डालें तो 14 फंदों में, इस तरह से आपको ये डिजाइन बनानी है। तो ये देखिए, तो 2, 4, 6 और 8 और ये 9, 9 बना लिए मैंने। अब ये 10वां जो फंदा है इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। इसी तरह से आपको भी करना है, एक एक फंदे को छोड़ना है। एक फंदा छूट गया है हमारा, और देखिए कपड़े को कैसे जोड़ते हैं वो भी आप एक बार देख लें इस तरह से। ये देखिए इस वाले कपड़े को, ये देखिए इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और ये बन, देखिए जोड़ दिया। बहुत ही आसान तरीका है ये कपड़े को जोड़ने का, इससे हमें कहीं भी जॉइंट भी नहीं दिखाई देता है। तो ये देखिए, और जो पहले वाले कपड़े का थोड़ा सा टुकड़ा बच गया था उसको इस तरह से अंदर डाल देंगे, और जो एंड वाला फंदा है इसको इस तरह से एक साइड से उतार देंगे और इस साइड से बनाएंगे। एक फंदा फिर छोड़ देंगे, एक पहले छोड़ा था।
ये देखिए, एक फंदा फिर छोड़ देंगे, यानी हर सिलाई में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें एक एक फंदा छोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हर सिलाई में हमारा एक एक फंदा छूट रहा है, जो हमारे आधे फंदे हैं उसमें से, और आधे फंदों को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो फंदे हमारे एक साइड में बिल्कुल वैसे ही हैं। तो आप भी ऐसा ही करें, जितने भी फंदे डालें उसके आधे फंदों में आपको इस तरह की डिजाइन बनानी है, और आधे फंदे आपको ऐसे ही रहने देने, आधे फंदों में कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से, एक फंदा फिर छोड़ दिया, ये देखिए, एक फंदा फिर छोड़ देंगे। ये देखिए, इस साइड फिर से आगे हम क्या करेंगे, जो फंदे रह गए हैं उनको बनाएंगे, और जो एंड वाला फंदा है उसे इस तरह से, ये देखिए हर बार उतार रहे हैं तो इस तरह के कुछ, ये देखिए फिनिशिंग आती है तो वो अच्छी लगती है, इसीलिए मैं एक साइड से एक एक फंदा उतारती हूँ और दूसरी साइड से उसे बनाती हूँ, इसी तरह से मैं करती हूँ हर बार। ये देखिए एक फंदा फिर और छोड़ देंगे हम इस तरह से, फिर से ये देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों हमारे सारे फंदे एक एक करके छूट गए हैं, 10 फंदे थे तो 10 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप फंदे ज्यादा डालते हैं तो उनको भी बिल्कुल इसी तरीका से छोड़ें और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब इन फंदों को हम एक एक करके बनाएंगे। एक हमने बना लिया, अब दूसरा, ये देखिए फिर यहीं से मुड़ा लेंगे इस तरह से, इस तरह से, फिर देखिए पहले हमने एक बनाया था, फिर दो बनाए थे, और इस बार आएंगे तो तीन बनाएंगे, लेकिन बीच में गैपिंग ज्यादा दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, गैपिंग को कम करने के लिए इस तरह से एक फंदा बीच में से कहीं से भी उठा लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए इससे हमारी गैपिंग कम हो जाती है, बीच में जो दिखाई देती है गैप होता है वो देखिए, जैसे ये गैप है ये दिखाई देता है तो ये नहीं दिखाई देगा, फंदे को अगर हम उठाकर एक और फिर उसको घटा देंगे उससे, ये देखिए इस तरह से, फिर से बनाएंगे इस साइड से भी, तीन के बाद अब हम चार बनाएंगे फंदे, ये देखिए फिर से उठा लिया फंदा और दो का एक कर दिया इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से,
और चार फंदे बन गए हमारे। ऐसे ही सारे फंदों को हम बना लेंगे। चार के बाद फिर ये देखिए पांचवा फंदा बनाएंगे अब हम इसी तरह से। ये देखिए पांचवा फंदा, ये देखिए फिर से एक फंदा उठा लिया और दो का एक कर देंगे। फिर से एक फंदा उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए उसको घटा भी देंगे। फंदा हम उठा भी रहे हैं दोस्तों और साथ साथ में उसे घटा भी रहे हैं, ये नहीं हम फंदा उसको रहने देंगे। तो अगर हम उसको रहने देंगे तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, जैसे फंदा हम बढ़ा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही उसे घटा भी रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये देखिए फिर से और ये देखिए फिर से क्या करेंगे, एक फंदे को उठाएंगे और गैपिंग को कम करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये देखिए इस साइड फिर से, ये देखिए इस तरह से हमने ये फंदे बना लिए हैं बिल्कुल। ये देखिए हमें सारे फंदे ऐसे ही बनाने हैं, आप जितने भी फंदे लें सबको इसी तरह से आपको बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। एक एक करके जैसे फंदे छोड़े थे वैसे ही एक एक करके ले लिए हैं फंदे हमने, ऐसे ही एक एक करके लेंगे फंदे। कितने भी आपके फंदे हैं, जैसे आप 40 फंदे डाल रहे हैं तो 20 फंदे होंगे, तो 20 फंदों को भी आपको ऐसे ही एक एक करके बनाना है। मेरे टोटल 20 फंदे थे तो मैंने 10 फंदों को ऐसे ही बनाया है और आप भी ऐसे ही बनाएं दोस्तों। आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें एकदम पूरी, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि जो ये पायदान है वो कैसे बना हुआ है। तो कोई भी मेरी वीडियो है दोस्तों उसको आप एंड तक देखें, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको सब कुछ समझाने की। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी कि जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट कर सकते हैं। या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8441006738, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप वहां भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी किस तरह से ये बना है। और दोस्तों वैसे मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ आपको क्लियर एकदम समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरह से हमने हमारे 10 फंदे टोटल बना लिए। ये देखिए
इस तरह से 10 फंदे हमारे बन गए हैं। ये देखिए 10 फंदे हमने बना लिए, आपके जितने ही फंदे हो इस तरह से बनाने के बाद अब क्या करेंगे देखिए। ये देखिए अब इसमें हम ये वाले फंदे जो हैं वो बनाएंगे, 10 फंदे हमारे। तब क्या करेंगे, बीच में मैंने एक फंदा उठा लिया है गैपिंग को कम करने के लिए, गैप बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए एक फंदा उठा लिया है और उसको घटा दिया इस तरह से, ये देखिए। और बाकी के सारे फंदे हम ऐसे ही बना देंगे, ये देखिए। इस तरह से ये देखिए। तो दोस्तों हमारी एक कली इस तरह से बनकर कंप्लीट हो गई है। 20 फंदे हमने डाले थे, 20 फंदे हमारे ये हैं, तो एक कली बन गई है। अब देखिए यहां से हम करेंगे कलर चेंज, दूसरा कलर लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब यहां से इसको बना रहे हैं हम, ये देखिए थोड़ा इसको टाइट कर देंगे और ये इस तरह से बनाएंगे। आप चाहें तो इसे मल्टी कलर का बना सकते हैं या चाहें तो दो कलर में भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे इस डोरमेट को आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये देखिए सारे फंदे हम बनाएंगे। एंड वाला फंदा एक उतार देंगे एक साइड से और इस साइड से उसे भी बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। ये देखिए और देखिए एंड में आके फिर से जैसे हमने स्टार्टिंग में जो कली बनाई थी उसमें दो दो फंदे छोड़े थे, बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी फंदे छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए दो फंदे मैंने छोड़ दिए इस तरह से, ये देखिए ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से, और इधर भी एंड में आके हम दो फंदों को छोड़ देंगे। जैसे हम पहली कली में दो दो करके फंदे छोड़ रहे थे दोनों साइड से, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों साइड से दो दो फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए इस तरह से ये दो फंदे छोड़ दिए मैंने, अभी इस तरह से फिर से इस साइड आएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे बनाना है, दो दो करके फंदों को छोड़ना है। फिर से ये इसके आधे फंदे यानी मेरे में 20 फंदे हैं तो टोटल, तो इसमें से आधे 10 फंदे मैं फिर से इस तरह से बनाऊंगी और इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैं इसे कंप्लीट बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसा दिखाई दे रहा है वो इस तरह से कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने इसे पूरा बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर एंड में आके हमने फंदों को उतार दिया और सुई की मदद से सिल दिया है। तो इस तरह से ये जो हमारा डोरमेट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो आपको ये डोरमेट की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।